यह पृथ्वी है और आप इस विशाल से दिखने वाले ग्रह में कहीं रहते हो, और आज तक आपने जिन भी चीजों का प्रयोग किया है वो सब इस ग्रह में है। पर ब्राह्मण के तुलना में ग्रह कितना बड़ा है? तुलना के लिए हम लेते हैं चांद को, तो चांद पृथ्वी से बहुत पास लगता है, पर ऐसा है नहीं। यही एक चीज है जिसे हम रात को बहुत साफ साफ देख सकते हैं पृथ्वी से। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो कई बार रात को मैच के दौरान कैमरा से जब चांद को दिखाया जाता है तो चांद बहुत साफ और उसके ऊपर का सतह दिखाई देता है, लेकिन चांद हमसे इतना पास नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि इतना दूर है। इस दूरी में 20 पृथ्वी और आ जाएंगे, और अगर हम किसी मोटरसाइकिल या कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड पर चांद पर जाए तो हमें 160 दिन लगेंगे। चांद पर पहुंचने के बाद चांद से पृथ्वी कुछ ऐसा दिखेगा। पृथ्वी बहुत बड़ा लग रहा है। अब देखते हैं पृथ्वी मंगल ग्रह से। यह एक तस्वीर है जिसे लिया गया था मंगल ग्रह से, जिसे लिया था एक स्पेस क्राफ्ट ने। यह छोटा सा डॉट जो आप देख रहे हैं यह पृथ्वी है। मंगल की सतह से पृथ्वी कुछ ऐसा दिखता है। मंगल ग्रह से पृथ्वी की दूरी 225 मिलियन किलोमीटर है। मतलब हमें अगर मंगल ग्रह पर जाना पड़े तो चांद से 986 गुना लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। लाइट की रोशनी को भी जाने में 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम थोड़ा और दूर जाए तो हम ढूंढ सकते हैं वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट को, जो अब तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला स्पेस क्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल की दूरी सूर्य से पृथ्वी जितना होता है। अपने सफर में वॉयेजर 1 ने यह तस्वीर निकाली। दिखने में तो खास नहीं लगता है, पर यह इंसानों की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। यह सफेद डॉट हमारी पृथ्वी है, जहां हम सब रहते हैं, और यह सूरज की रोशनी में इतनी छोटी सी चीज दिखाई दे रहा है। वॉयेजर 1 1020 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से घूम रहा है। इतने गति में भी वॉयेजर 1 हमारे सूर्य मंडल से बाहर निकलने में 30,000 साल से भी ज्यादा समय लगाएगा। एक बार हम सूर्य मंडल से बाहर निकल जाए तो हम पहुंचेंगे इंटरस्टेलर नेबरहुड। मतलब ये सब हमारे सूर्य मंडल के पड़ोसी हैं, लेकिन इन पड़ोसियों का एक खास बात है, ये आपस में लड़ते नहीं है जैसे आप और आपके पड़ोसी लड़ते हो। यहाँ हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नहीं, लाइट एयर में दूरी नापते हैं। लाइट एयर मतलब उतनी दूरी जो एक रोशनी की किरण एक साल में तय करती है, जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स। सूरज के अलावा हमारे सबसे नजदीक का सितारा, जिसे हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी, हमसे फिर भी 4.24 लाइट एयर दूर है। अगर वॉयेजर 1 उस तरफ बढ़ने लगे तो 70,000 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं पूरा मिल्की वे गैलेक्सी को। इसके ही अंदर हमारा पृथ्वी है। ये पीला सा डॉट हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट का सिग्नल का रेंज है। इसका मतलब कोई एलियन इस रेंज से बाहर है तो उसे कभी पता नहीं चलेगा इंसानों की मौजूदगी के बारे में। हमारा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 1,00,000 लाइट एयर बड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 सीआर सितारे हैं और 10,000 प्लैनेट्स, लेकिन आप रात में यह सितारे कभी देख नहीं पाएंगे। 99% सितारे जो आप रात में देखते हो वो सिर्फ इतने छोटे से एरिया का होता है, लेकिन यह विशालकाय गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसके सामने, जिसका यह एक भाग है। यह हमारे आसपास स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जो 54 गैलेक्सी का ग्रुप है, और यह फैला हुआ है 1 सीयर लाइट ईयर दूरी तक। लेकिन और जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं द बर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें लोकल ग्रुप बहुत छोटा सा हिस्सा है। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने की दूरी 11 लाइट ईयर है, पर यह सुपर क्लस्टर छोटा सा एक दाना है लानियाकिया सुपर क्लस्टर का, जो हमारे गैलेक्सी जैसे लाख और गैलेक्सी का घर है। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने का दूरी 52 लाइट ईयर है। यहाँ से भी अगर हम जूम आउट करें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक,
तो वहाँ द बर्गो सुपर क्लस्टर भी छोटा सा एक तिनका है। ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यहाँ वो सब कुछ है जो आज तक हम देख पाए हैं। यहाँ लगभग 2 लाख सियर गैलेक्सीज है और इन सारे गैलेक्सीज में इतने सितारे हैं जितना रेती के दाने पृथ्वी पर नहीं है। हमारे पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने की दूरी 4650 सियर लाइट ईयर्स है। इसका मतलब है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लंबाई है 9300 सियर लाइट ईयर्स। इससे मजेदार बात ये है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो है जहाँ तक आज हम पहुँच पाए हैं। हम इससे आगे और सोच भी नहीं सकते कि आगे और क्या क्या है, क्योंकि उतनी दूर से रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंची ही नहीं आज तक, और इससे आगे क्या है हम जानते ही नहीं। लेकिन इतना तो तय है, इससे बाहर की दुनिया और भी ज्यादा रोमांचक और मजेदार होगा। लेकिन शायद इससे बाहर हम कभी देख ही ना पाए, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है लाइट के स्पीड से भी ज्यादा। इसका मतलब साफ है, इंसान अगर अरबों साल और भी टिक जाए धरती पर, फिर भी ऐसे कई जगह होगी यूनिवर्स में जो हमसे छुपी रह जाएगी। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा यूनिवर्स 1.56 ट्रिलियन टाइम बड़ा हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के तुलना में। ये नंबर कुछ ऐसा दिखता है। अगर एग्जांपल के तौर पे समझे तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल के साइज का है और पूरा यूनिवर्स हमारा पृथ्वी जितना बड़ा है। अब आप सोच सकते हो पूरा यूनिवर्स कितना विशाल है और हम इतने से पृथ्वी पर रहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जितना आपने सोचा था या उससे छोटा है, कमेंट में जरूर बोलिएगा।